फॉरेस्ट्री ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं। कैकुलिया फॉरेस्ट्री में हमने बहुत सारे 5 स्टॉल लगाए हैं और 5 स्टॉल में 5 किस्म की चीजें डिमॉन्स्ट्रेट भी की जा रही है और उनकी बिक्री भी शुरू हो गई है। मतलब हमारे एक सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है वो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूटिलाइजेशन, जिसमें जितने भी फॉरेस्ट से जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, खासकर ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट से बनते हैं, जो लैवेंडर के प्रोडक्ट्स हैं या दूसरे एरोमेटिक क्रॉप्स के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आते हैं लैवेंडर आता है, थाइम आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने जो बिक्री पर रखे हुए हैं, और रोज प्रोडक्ट्स भी है जिनको बिक्री पर रखे हुए हैं और डिमांड से भी कर रहे हैं कि इससे कैसे इंडस्ट्री कैसे खड़ी की जा सकती है। इसके अलावा दूसरा हमारा डिवीजन है सिल्वीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री का डिवीजन है, इसमें हमने ये रखे हैं पौधे जो हमारे जंगलात में पौधे उगते हैं, इन पौधों को हम घर में भी उगा सकते हैं, जंगल में तो उगा ही सकते हैं लेकिन घरों में भी ब्यूटिफिकेशन के लिए उगा सकते हैं, जिसमें इसमें देवदार है, कायल है, फर है, क्रिप्टोमेरिया है, स्प्रूस है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको घरों में भी उगाया जा सकता है। और इसके अलावा दूसरा हमारा डिवीजन है यहाँ पर, उसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है जिसमें जंगल भी आते हैं, जिसमें हमारे दरिया भी आ जाते हैं, इसमें लेक्स भी आ जाते हैं, तो इन रिसोर्स को हम कैसे मैनेज किया जाए, इसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को कि इन रिसोर्स को हम कैसे मैनेज किया बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। इसके अलावा हमारा एक और डिपार्टमेंट है, उसका नाम है ट्री इम्प्रूवमेंट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। इसमें हमने ऐसे पौधे रखे हैं बिक्री के लिए जिन पौधों को हमने जेनेटिक तरीके से या ब्रीडिंग तरीके से उनको अच्छा किया है। इस तरह से हमारी फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री ने अपने इस मेले में हिस्सा लिया है। मैं डॉक्टर जीएम भट्ट हूँ। जो कि आज एक किसान मेला हर साल जम्मू कश्मीर जरिए यूनिवर्सिटी में मुनक्कद हो रहा है, इसी तरह आज इस सिलसिले में आज 2024 में भी ये किसान मेला यहाँ मुनक्कद हो रहा है। इसमें जो फैकल्टी बाकी स्टॉलों के अलावा फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री के टोटल 4 जगह हैं, जिसका एक डिपार्टमेंट सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री उसी का स्टॉल यहाँ लगा है। अगर हम देखें इस स्टॉल में हमने क्या लगाया है खास, ये एप्रिकॉट ऑयल है जो वाइल्ड एप्रिकॉट डिग्रेडेड लैंड्स में उगता है। इस ऑयल को लगाने से इसका जो है वैल्यू है, ये मेडिसिन वैल्यू इसका है, मसाजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास जो सीड्स है एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोड्यूस है, ये सीड्स कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। इसके अलावा हमारे पास जो ये हमारे पास एग्स है जो ये ऑर्गेनिक एग्स फ्रॉम फ्री रेंजिंग पोल्ट्री जो हमने यहाँ सेल के रखे थे, सेल के लिए रखे हैं, इंक्लूडिंग द बास्केट, जो बास्केट बनाई गई है, ये बास्केट भी विचीज जो सेलेक्ट से तैयार किए गए हैं इससे बनाई गई है। इस में हमारे पास पाइनस वाली चना जिसको ब्लू पाइन कहा जाता है, दिस इज नेक्स्ट दीदार, इसका टिम्बर वैल्यू है। इसके बाद अगर हम देखें वेस्टर्न हिमालयास की सबसे इम्पोर्टेंट टिम्बर स्पीसी वो दीदार जो कि टॉलेस्ट ट्री ऑफ वेस्टर्न हिमालयास है, और इसका टिम्बर का वैल्यू है। इस चीनी का जिसको हान कहते हैं, सैरेक्स जिसको कश्मीरी में वीर कहते हैं, ये बेट बनाने के काम आता है। इसी तरह हमारे पास पॉपुलर है सफेदे हैं जिनको कश्मीरी में फ्रस बोला जाता है, वाइल्ड एप्रिकॉट है जो डिग्रेडेड लैंड्स के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा हमारे पास वाइल्ड फ्रूट्स के बहुत सारे अकसाम हैं। वाइल्ड फ्रूट्स में अगर हम देखें, इसमें वाइल्ड फिग है, इसमें कोरियंटरी है, इसमें अमलोक है जिसको परसमान कहा जाता है। लोगों से खासतौर हमारे जो किसान हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो बाकी स्टॉलों के अलावा और इसी के स्टॉल्स पे आए और अपना जो ये क्वालिटी प्लांट मटेरियल यहाँ से लेके जाए। फॉरेस्ट की तरफ से एक स्टॉल लगा है यूटिलाइजेशन जो बेसिकली मेड्स एरोमेटिक प्लांट्स पे काम करता है, और हमने यहाँ पर कुछ इनोवेटिव हर्बल प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोजमेरी टी है और थाइम टी है, एक प्रोडक्ट हमने आज नया लॉन्च किया है जिसको हम हर्बल डिटॉक्स टी बोलते हैं। तो जो हर्बल टीज है उनका बेनिफिट बहुत ज्यादा है कि इम्यूनिटी बूस्टर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, कफ कोल्ड, उसमें बड़ा मुफीद रहता है। हमारे पास रोजमेरी मिस्ट है, लेवेंडर मिस्ट है और लेवेंडर क्रीम भी है
जो भी स्किन रैशेज है या टीनेज सॉफ्टनेस के लिए स्किन को रखने के लिए, तो वो इसमें यूज होता है। हमारा डिवीजन डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बिल्कुल इसमें हिस्सा ले रहा है। हमारे डिवीजन का मैंडेट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कंजर्वेशन है, जो कि हम दो तरह से कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर भी हम कंजर्वेशन कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी स्पीशीज का जो कि थ्रेटन हो रही है, जो कि एक्सटिंक्ट हो रही है, दुनिया से गायब हो रही है। तो हमारा यही एफर्ट रहता है कि हम उनको यहाँ से, इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होने से बचाएं। तो उसके लिए हम दो तरह की चीजें करते हैं। एक तो हम ऐसी स्ट्रेटजीज और ऐसी स्टडीज करते हैं जिससे हम उसको फॉरेस्ट में कंजर्व कर पाए। तीसरा, इस मेले में हमारी शिरकत का मकसद ये है कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि हम किस किस तरह की स्पीशीज जो है इस दुनिया से गायब हो रही है, और हमें जिनकी हमें इफादत पता होनी चाहिए और जिनसे हम आगे आने वाली जनरेशंस को बहुत सारा फायदा पहुंचा सकते हैं। ये हमारा स्टॉल है, आप देख सकते हैं यहाँ मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज है जो कि हम अपनी जो फैकल्टी के कैंपस में हम उसको कंजर्व कर रहे हैं। उस कंजर्वेशन वो 2 साल के पौधे हैं और 3 साल के पौधे हम उनको यहाँ पे सेल के भी लेके लिए आए हैं। प्लस हमने इन्फॉर्मेशन भी, कुछ हमारे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स भी हैं जिससे हम उनकी हिफाजत लोगों तक पहुँचा रहे हैं। माउंटेन लाइफ स्टाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट लगोमुत स्टॉल सीड मेला 9th सीड मेला इसम स्टॉल सीड मेला एनुअल वर्स मैं तो ये एग्जीबिशन पे लागान पे प्रोडक्ट दिवान मार्केट मन प्लस प्रोड्यूस चाहे गास प्रोड्यूस मुख्तलिफ कस्म गास मुख्तलिफ कस्म बियर तुम गासन यहां पेरीनियल तो एनुअल वर्स अक लट गास वर्स मल्टी कट बार बार गास खसन तो बार बार हम तक कट कर गास डिस्प्ले पे लगाम अमे अलावा विंटर पोडर तुम्हें बगज तो यह अजपर पट पर बड़े जबरदस्त बगज बड़े अच्छा जो किलो तय वजन कुछ जो किलो अल वजन गई जन एम एल आर आई ये जन शान सो गो एम एल आर आई दुद सह डिस्प्ले पे लगोमुत यह वसूब सान तय वन कि सर्स जम्मू कश्मीर मैं अत मयार दुद कहें तेज दुद मार्केट मे या टोंड या डबल टोंड या टोंडस डोड पर्सेंट फैट तो डबल टोंडस 3% फैट मगर अस फैट एक्सट्रैक्ट करें कि यह बराबर फैट यह अत मे तो यह होल मिल्क होल मिल्क रेट अगर वो पंजाब वारिया तथा रेट तक शेठ रुपये 500 रुपये ये जन सदस 500 रुपये रेट होल मिल्क अच्छा कह फैट नबर कहें